बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ आर फिफ्थ लेक्चर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट वन। इट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। बिफोर स्टार्टिंग आर टॉपिक यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग मीन दैट इफ समथिंग is not working properly. As we are discussing about kidneys, so it means that kidneys cannot work efficiently. Kidneys cannot work efficiently. This is the meaning of malfunctioning. इसका मतलब ये हुआ कि kidneys जो हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही, इसको हम कहेंगे malfunctioning of kidneys। जैसा कि आप सब जानते हैं कि kidneys का हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन क्या है, कि kidneys हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारी बॉडी में से आउट करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर किडनीज जो हैं अपना ये काम सही तरीके से नहीं कर पा रही, तो देन इट मीन्स दैट किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड द टर्म इज़ नोन एज मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। नाउ अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। दिस इज अ स्टेज इन विच किडनीज कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, मीन्स दैट द सॉल्ट्स accumulate in kidneys and form stones. Formation of stones disturbs the normal functioning of kidney and causes severe pain. Kidney stones may travel to ureter or urinary bladder. The common causes of stones in kidneys are excessive calcium salt in food and uric acid. Here I will show you from your book. You can see this is stones in kidney and urinary bladder. Here is the stone in kidney and here is the stone in urinary bladder. In this condition, urine cannot be passed out easily and it is very painful. So we need some kind of surgery to remove these stones from our kidney or from our urinary bladder. Stones are of different sizes in kidneys: small size, stones, medium sized stones, and large size stones. Small size stones can be removed through urinary system by drinking more water, but medium size stones are removed by lithotripsy. Now what is lithotripsy? Lithotripsy, medium-sized stones are removed through a process, and this process is known as lithotripsy. In this method, sound waves are used from outside of the body, and these sound waves breaks the stones into small pieces, and which are passed out of the body through
यूरिन। लिथोट्रॉप्सी में क्या किया जाता है कि साउंड वेव्स को यूज़ करके स्टोन्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है। वो शॉक वेव्स जो हैं स्टोन्स को छोटे छोटे पीसीज में चेंज कर देती हैं और इस तरह से यूरिन के थ्रू वो स्टोन्स इजीली पास आउट हो जाते हैं। लेकिन लार्ज साइज स्टोन्स जो हैं उनके रिमूवल के लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट स्टेज और यू कैन से द नेक्स्ट स्टेज इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। द मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड। दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज, यू नो, यू ऑल नो वेरी वेल के डायबिटीज जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है और बॉडी जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज में आल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर। अगर किसी भी वजह से हमारी किडनीज को ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा तो इस वजह से भी किडनीज की वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग स्टॉप हो जाती है। अब ये जो तमाम डिफरेंट स्टेजेस हैं इनकी ट्रीटमेंट क्या है? इनकी ट्रीटमेंट में हमारे पास दो मेथड जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हैं डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रीटमेंट ऑफ मैल फंक्शनल किडनीज। फर्स्ट इज डायलिसिस। व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस इज क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस इज क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस में क्या होता है कि चूंकि इंसानी किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही, इस वजह से एक आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू ब्लड को साफ किया जाता है और उसके लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको डायलाइजर कहते हैं। यह डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे काम करता है और इसमें सबसे पहले जो है पेशेंट का ब्लड जो है वो उस डायलाइजर में पास किया जाता है और इस डायलाइजर मशीन में डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। जब ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू द ट्यूब्स ऑफ डायलाइजर एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोस अराउंड दीज ट्यूब्स, द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड, द क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसको डायलाइजर मशीन में से पास किया जाता है, उसके बाद ब्लड जो है वो उस जो डायलाइजर मशीन है उसमें फ्लो करता है और उस फिर उसके बाद एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोस अराउंड दीज ट्यूब्स,
उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में से उसको क्लीन किया जाता है, और फिर जो क्लीन ब्लड होता है उसको दोबारा बॉडी में वापस शामिल कर दिया जाता है. दिस इज द प्रोसेस दैट इज नोन एज डायलिसिस. एंड द नेक्स्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट दिस मेथड इज यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर. दैट इफ किडनी इज नॉट वर्किंग एट ऑल देन दिस इज द लास्ट ऑप्शन. एंड इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. इस तरीक़ेकार में क्या किया जाता है कि एक हेल्दी जो पर्सन है उससे किडनी उधार लिया जाता है, और वो जो हेल्दी किडनी होता है उसको वो किडनी जो कि अपना काम पेशेंट की किडनी से उसको तब्दील कर दिया जाता है. द डोनर ऑफ किडनी मे बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव. अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है कि जो भी शख्स अपना किडनी डोनेट कर रहा है उस जिस शख्स को वो उसका क्लोज रिलेटिव होगा, तो उसके लिए उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ इफ़ यू हैव बुक्स बुक ऑफ जनरल साइंस ओपन इट एंड आई वांट टू शो यू सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एट पेज नंबर 7. That is about stimuli. Second is receptors. And the next one is effectors. Please learn all these definitions because these are very important definitions and they will help you in your next classes too. Now, okay students, we have already discussed unit 1 thoroughly and I hope that you understand it. Please, all of you be responsible. Make sure to have your notes and maintain your notebooks neat and clean. Stay safe. Allah Hafiz.